इसे छत्तीसगढ़ से भावना सिंगरौल ने पूछा है। भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन कैसे बनाएं? पहले जानते हैं भौतिक जीवन क्या है। जीवन में कुछ भौतिक आवश्यकताएं हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें संसार में एक प्रकार का जीवन जीना पड़ता है, जिसको हम भौतिक जीवन कहते हैं। ये आवश्यकताएं क्या है? मैस्लो 7 प्रकार की आवश्यकताओं की बात करता है। पहला, फिजियोलॉजिकल नीड्स, रोटी, कपड़ा, मकान। दूसरा, सेक्स नीड, बायोलॉजिकल नीड, एक उम्र आने पर इसकी आवश्यकता है। तीसरा, सुरक्षा, जैसे सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड्स, एक सुरक्षा चाहिए तुमको। समाज में रहना है, अपने जीवन को सुरक्षित रहना है, अपनी सुरक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए कुछ करना है। चौथा, लव नीड्स, प्रेमाकांक्षा। हम प्रेम पाना चाहते हैं, प्रेम देना चाहते हैं, इसलिए हमको दूसरे के संपर्क में आना पड़ता है। ये संसार से ही हम प्राप्त करते हैं। पांचवा, बिलोंगिंगनेस नीड्स, कोई अपना हो जीने के लिए, परिवार है हमारा, समाज है, गांव है, ये भी सांसारिक जीवन का हिस्सा है। और फिर छठी आवश्यकता एस्टीम नीड है, यश की आकांक्षा, रिकॉग्निशन की आकांक्षा, अर्थात हम जहाँ काम करते हैं हमको अपने कार्यों के लिए एप्रिसिएशन की ज़रूरत पड़ती है। और सातवां, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, जो हमारी प्रतिभा है उसके विकास के लिए हमको सबके सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो 7 आवश्यकताओं के लिए जो हमको समाज पर निर्भर करते हैं, हम एक तरह का जीवन जीना पड़ता है, जिसको तुम कह सकते हो कि भौतिक जीवन, सांसारिक जीवन। अब आध्यात्मिक जीवन क्या है? अब आत्मा जो हमारी, हमारे भीतर जो आत्मा है, केवल शरीर तो नहीं है, केवल इंद्रियां तो नहीं है, केवल जिसको कहते हैं कि केवल प्राण तो नहीं है, केवल हृदय तो नहीं है, केवल अवचेतन तो नहीं है, केवल मन तो नहीं है, केवल हमारी निजता तो नहीं है, अस्मिता ही तो नहीं है, हमारे भीतर चैतन्य आत्मा का निवास है। अब उसका विकास कैसे हो, इसको कहते हैं आध्यात्मिक जीवन। उसके लिए हम जो प्रयत्न करते हैं उसको कहते हैं आध्यात्मिक जीवन। अध्यात्म का अर्थ ही अधि प्लस आत्म, अर्थात आत्मा का विकास। और इसको एक शब्द में कहना हो तो कहेंगे मोक्ष। इसलिए हमारे ऋषि कहते हैं कि जीवन में हमको 4 पुरुषार्थ करने होते हैं। क्या करना होता है? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। तो अर्थ, धर्म, काम से संबंधित जो भी हम करते हैं वो हमारा सांसारिक जीवन है, और मोक्ष के लिए जो भी हम करते हैं उसका नाम आध्यात्मिक जीवन है। सामान्यतः लोग दोनों को विपरीत मान लेते हैं, सांसारिक जीवन आध्यात्मिक जीवन को विपरीत मानते हैं, लेकिन दोनों विपरीत नहीं है। और ऐसा भ्रम हमको सभी प्रकार के द्वैत में होता है, जैसे पुरुष और स्त्री विपरीत नहीं है, एक दूसरे के पूरक है। रात और दिन, वे एक दूसरे के विपरीत नहीं हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक इसी तरह हमारा सांसारिक जीवन, हमारा आध्यात्मिक जीवन, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं, और दोनों में अंतर विरोध नहीं है। इसलिए धन हमारे सांसारिक जीवन का प्रतीक है, ध्यान हमारे आत्मिक जीवन का प्रतीक है। लेकिन ओशो कहते हैं कि धन और ध्यान में कोई अंतर विरोध नहीं है, बल्कि ओशो ने कहा हमारा नया मनुष्य कैसा होगा? जोरबा द बुद्धा। जोरबा सांसारिक समृद्धि का प्रतीक है, और जो बुद्धा है वो आत्मिक आध्यात्मिक समृद्धि का प्रतीक है। तो दोनों को मिलाने से ही एक नया मनुष्य पैदा होगा। लेकिन अब प्रश्न है, तुम पूछते हो कि दोनों में समन्वय कैसे स्थापित करें, संतुलन कैसे स्थापित करें? तो इसके लिए बहुत ही सुंदर सूत्र ओशो ने दिया है, सभी संतों ने दिया है, 2 सूत्र दिए हैं कि साक्षी रह करके कर्म करो। साक्षी क्या हुआ? आत्मस्मरण, अर्थात जो भी कर्म करो, संसार के सारे कर्म करो, अपनी सारी आवश्यकताओं की जो
पूर्ति के लिए जो भी कर सकते हो वो करो, जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो उत्तरदायित्व है, जो कर्तव्य है, जो परिवार में हमारा जो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, समाज में है, देश के प्रति है, वो सब कुछ करो, मगर एक बात याद रखो, आत्मस्मरण के साथ करो। बस इतनी सी बात जोड़ दो। साक्षी का अर्थ है आत्मस्मरण के साथ कर्म करना। तो पहली बात कि आत्मस्मरण के साथ संसार का जीवन जियो, तो दोनों में समन्वय हो जाता है। और दूसरी बात, अगर तुम भक्त हो, अगर तुम साधक हो, तो फिर नाद के स्मरण के साथ, जिसको नानक देव जी कहते हैं एक ओंकार सत्यनाम, नाद तो आत्मा की गूंज है, तो नाद के स्मरण के साथ और संसार के सारे कर्म करो। अगर तुम भक्त हो तो नाद के स्मरण के साथ, जिसको ओशो कहते होश, होश का क्या मतलब हुआ, ब्रह्म के स्मरण के साथ कर्म करो। साक्षी का क्या मतलब हुआ, आत्मा के स्मरण के साथ कर्म करो। अगर तुम ज्ञान मार्गी हो या संसार में जीते हो, तो तुम्हारे लिए सरल है साक्षी होकर के कर्म करना। अगर तुम भक्ति के रास्ते पर हो, तो तुम्हारे लिए होश में कर्म करना, और जैसा मैंने बताया कि दोनों होश की यात्रा है, दोनों ही बोध की यात्रा है, अवेयरनेस की यात्रा है, लेकिन साक्षी में आत्मस्मरण रखना है और होश में ब्रह्म का स्मरण रखना है। और नाद जो है ब्रह्म का प्रतीक है। पतंजलि कहते हैं तस्य वाचकः प्रणवः, ब्रह्म का जो बोधक तत्व है नाद। अगर नाद का स्मरण कर रहे हो तो ब्रह्म का स्मरण कर रहे हैं। बाद में ओशोधारा में जो 15वें तल में आते हो, तो होश की और ऊंचाइयां बढ़ती चली जाती हैं ब्रह्म को जब जानते हो। लेकिन जो आरंभिक साधना कर रहे हैं, उनके लिए नाद का स्मरण माना जाएगा कि होश की यात्रा है, क्योंकि नाद ब्रह्म का ही प्रतीक है, जैसा मैंने कहा तस्य वाचकः प्रणवः। तो साक्षी और होश के द्वारा अगर संसार में जीवन तुम जीते हो, तो माना जाएगा कि तुम्हारे जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक जीवन का एक समन्वय है, एक संतुलन है।